नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन सुबह उठते ही हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे देने के काबिल बनाना, मैं सबको देता ही चलूं, लेने की नौबत कतई ना आए। हम निस्वार्थ भाव से यदि सभी को देते चलते हैं तो सचमुच जीवन सुख से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। लेकिन यदि देने के साथ हम कोई कामना भी रखते हैं कि मुझे भी सामने वाला कुछ दे, तो ये मदद नहीं है बल्कि व्यापार हो जाता है। और जहाँ इस व्यापार के भाव के साथ हम लेन देन करना शुरू करते हैं, तो जीवन का जो सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है, वो लोप हो जाता है। इसलिए मित्रों, हम इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें कि जैसे ईश्वर, जैसे सूर्य, जैसे चांद, जैसे प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से देते हैं, हम भी ईश्वर से सब कुछ लेकर आत्माओं को निस्वार्थ भाव से देते चलें, तो आप देखें कि जीवन कैसे सुकून से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, और आप हमेशा भरपूर ही रहते हैं, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं रहती। तो आइए हम भरपूर रहेंगे और औरों को देते चलेंगे, ऐसी भावना के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करते। समय हर एक मनुष्य को प्राप्त ऐसा एक आशीर्वाद है जो कर्म का आधार बनता है और साथ साथ मनुष्य को इतना श्रेष्ठ बना सकता है कि उसका गायन मानवता के इतिहास में बार बार किया जाए। उदाहरणार्थ, सभी महात्माओं ने कैसी भी परिस्थितियों के बीच अपने समय को समायोजित किया और प्रयास जारी रखा, जिससे उनका उद्देश्य सफल हुआ। इसे कहा जाता है अवसरों को अपनी श्रेष्ठ इच्छाओं से निमंत्रित करना, ना कि यह सोच पोषित करना कि समय ने तो हमें मौका ही नहीं दिया। जो शिकायत करते हैं वो अवसरों को अनदेखा करते हैं, क्योंकि समय की बहती धारा में अवसरों को पहचानने की क्षमता उनमें कम हो जाती है। यह दृष्टिकोण अपनाकर देखिए कि अवसरों की कमी असल में कमी नहीं, लेकिन कम समय को उपयोगी तरीके से इस्तेमाल करने का एक मौका है, जिसे समझकर हम इस गुण में दक्षता प्राप्त करते हैं। मित्रों, बात शिकायत की हो रही है तो ये कहा जाता है कि या तो जीवन में शिकायत है या शुक्रिया है। जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए हमारा मन शिकायत के भाव से भरा हुआ होता है, और कई बार ये देखा गया है कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन हमारी शिकायतें बड़ी होती हैं। हम उसे सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देते हैं। फलतः चाहे वो शारीरिक बीमारी है या अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, वो हमारे जीवन को विघ्नों से, परेशानियों से भर देते हैं। इसीलिए शिकायत न करते हुए मन को यदि अच्छे भाव से भरा जाए, शुक्रिया के भाव से भरा जाए, तो सचमुच जीवन सरल हो जाएगा। शरीर भी यदि बीमार है तो शरीर ने कितने लंबे समय तक हमें साथ दिया है, कितने लंबे समय तक स्वस्थ रहा है, इसके माध्यम से हमने जीवन का कितना आनंद लिया है, तो शरीर के प्रति भी शुक्रिया का भाव यदि आप रखेंगे तो जो बीमारी आई भी है वो भी दूर हो जाएगी। और यदि कोई और तकलीफ है तो हम हैं ना आपके लिए रोज़ सेहत की बात जो लेकर आते हैं, ताकि आप संपूर्ण स्वस्थ रहें। आइए देखते हैं कि आज सेहत की बात में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति दोस्तों, ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर कैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इसका सही समय पर निदान करना और सही समय पर इलाज करना बहुत बहुत आवश्यक है। और इवन अगर आपके फैमिली में माता पिता को ब्लड प्रेशर है, तो हमें प्रिवेंशन बचपन से ही करने का ध्यान रखना चाहिए। जो राजयोगा मेडिटेशन जो हमने बताया आपको, थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने 25 साल में देखा जो 10,000 से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट्स आए जिनको ब्लड प्रेशर था, लगभग 5,000 लोगों को ब्लड प्रेशर भी था, तो उन्होंने देखा जिन्होंने सही ढंग से इस थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर अर्थात स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल केयर तीनों को कंबाइन किया, खाली मेडिसिन नहीं, क्योंकि मेडिसिन अकेला बीमारी को सदा के लिए ख़त्म नहीं कर सकता। जब आप
स्पिरिचुअल केयर था, तो अपने जीवन में शांति, प्यार, खुशी को लेकर के आते हैं राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, और अपने विचारों को पॉजिटिव बना लेते हैं, टीम को पॉजिटिव, विचार, भावनाओं, वृत्ति और स्मृति को पॉजिटिव बनाते हैं, और सारा टाइम जो स्वस्थ का मतलब क्या है, स्व मन आत्मा अस्थमन स्थित, तो सोल कॉन्शियस रह के एक निमित भाव अंदर ला करके हम जीवन में जीते हैं, और साथ साथ प्रॉपर मेडिकेशन, आपकी जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसका जो प्रॉपर दवाइयाँ हैं उसको सही समय पर उसी समय पर लेने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आप मेडिटेशन की अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, डाइट एक्सरसाइज पर ध्यान रखते हैं, नींद का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, एडिक्शन अल्कोहल को स्पेशली अवॉइड करते हैं, चाय ऐसे से चाय कॉफ़ी को अवॉइड करते हैं, तो आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर की दवाई की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब आप बिल्कुल दवाई से मुक्ति पा लेंगे, और या बिल्कुल आधी गोली से ही आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर अवसर का इंतज़ार करते रहते हैं कि ये अवसर हमारे पास आएगा तो हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अवसरों का निर्माण करते हैं। यदि हम निर्माण करना शुरू कर दें तो हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इंतज़ार की घड़ियां बहुत लंबी हों और हमारे जीवन का अमूल्य वक्त बीत जाए। क्यों ना हम कार्य की शुरुआत करें, अवसरों का निर्माण करें, जो हम बनना चाहते हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें स्वयं को झोंक दें। ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, इसीलिए वो शिखर पर हैं, औरों को प्रेरित कर रहे हैं। तो बाबा की पूरी कृपा है इन पर, 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को और भी मजबूत बनाने के लिए, यानी कि अपनी नींव को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खुद को खुद से जोड़ने के लिए। क्या चीज आपको आपके करीब लाती है, क्या करते हैं आप? लोग बोलते हैं ना कि आपको जिम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा बाबा ने मुझे दो चीज सिखाई। बाबा ने कहा बच्चे एक तो तू मुझे फॉलो कर, ठीक है जी, और दूसरा तेरे पास संगीत है ही, तो मैं सिर्फ मेडिटेशन करता हूँ और अपना संगीत करता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, दो चीज है बस। क्या बात है। तो परिवार के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो आप बताएं आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में बाबा की ब्लेसिंग से सभी पूरी फैमिली है। फादर मेरे नहीं है, फादर ऑफ हो गए थे अभी 2016 में, और अभी वाइफ है, युगल है हमारी। अच्छा। और बच्चा है जी, और मम्मी है, मामा जी है। माँ का आशीर्वाद साथ है। बिल्कुल बिल्कुल है, और रहना भी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो आगे के संगीत को आप कैसे देखते हैं कि जो आज का संगीत है और पुराना हमारा जो संगीत था वो दौर था जिसमें शब्दों पर जो एहसासों को जोर दिया जाता था, भावों को समझा जाता था और उस पर संगीत पिरोया जाता था, तो सुर और ताल से लय से हर एक आंगन जो था, हर एक इंसान जो पर्सन था वो मंत्रमुग्ध होता था। लेकिन आज के ज़माने की बात करें तो आज का जो यूथ है उनका टेस्ट अलग है, उनकी चॉइसेस अलग हैं, तो कैसे देखते हैं आज के संगीत को और पुराने संगीत को? देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे दिन है तो रात है जी, इंडियन है तो वेस्टर्न है जी, तबला भी दो होता है देखिए, है ना, दो तरफ से बजाए, और ऐसे भी आप बजाएंगे तो दो हो जाए, पखावज ऐसे बजाए तो दोनों है, तबला भी ऐसा बजता है, और गिटार अगर है तो गिटार का अगर उसके अगर रिंग्स है तो उसको उसको स्टिक से उससे बजाया जाता है ना जी, ठीक है। तो हर चीज का दो पहलू है, तो वो संगीत भी लाजवाब था उसमें कोई शक नहीं है, वो तो लाजवाब था ही, और आज का जो यूथ का संगीत है वो भी लाजवाब है। इसमें मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब आज का यूथ का कोई संगीत, ये अपने पे कि आप किस चीज़ को कैसा लेना चाहते हैं जी। संगीत तो वही सुर ताल तो वही है, अब उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, तो आज का जो संगीत है कि आपको जैसे आपको कुछ समय के लिए आपको राहत देगा, वो संगीत है कि आपको हमेशा राहत देगा। मित्रों, एक खुशनुमा जिंदगी जीने का मंत्र यही है कि हम स्वीकार करना सीखें। यदि चीजों को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो शिकायत और शिकवे बने ही रहते हैं, चाहे वो पास्ट की बातें हों, प्रेजेंट की बातें हों, या फ्यूचर को लेकर के हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई घटना हो। जहां हम चीजों को नहीं बदल सकते वहां हम उसे स्वीकार कर लें, तो शिकायत भरा जो एक हमारा जीवन चला रहा है वो खत्म होता है और जीवन खुशी की ओर बढ़ पाता है।
सादर प्रणाम, सादर नमस्कार आप सभी को, हार्दिक हार्दिक सलाम। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से ज़रा ये भी सुनो सेगमेंट में फिर हाजिर हुआ हूँ आपके बीच। एक बच्चा था, रोज भगवान के मंदिर में जाता और मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते रहता। आसपास के लोगों ने सुना कि ये प्रार्थना में तो प्रार्थना करने के बजाय ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला अल्फाबेट बोलता है, ए बी सी डी एफ जी से लेकर एक्स वाई जेड तक। एक बार वो आसपास जो लोग खड़े होते थे उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुम यहाँ आकर ये ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला क्यों बोलते हो? तो उस बच्चे ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उसने कहा, मुझे कोई प्रार्थना तो आती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं भगवान की, वो सब ए से लेकर जेड तक के अक्षरों की बुनावट से ही बनी हुई है। अब मुझे प्रार्थना तो आती नहीं, तो मैं ए बी सी डी से लेकर जेड तक इसलिए बोल देता हूँ कि हे भगवान, तुझे इन अक्षरों में से जिस अक्षर की बनी हुई प्रार्थना भी सबसे ज़्यादा पसंद हो, वो तू खुद बना लेना। बच्चे का ये उत्तर हमें ये बतलाता है कि आस्था महत्वपूर्ण होती है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते। शब्द सीमित होते हैं, आस्था असीम होती है। इसलिए आपके शब्द कैसे भी हों, लेकिन यदि भाव मजबूत हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं उस परवरदिगार तक, उस नूर तक, उस ईश्वर तक, उस शिव बाबा तक अवश्य पहुंचेगी। ऐसा कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का है वो ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। ये जो कपट है, छल छिद्र है, दाव पेंच है, जरूरत से ज्यादा चतुराई है, ये ईश्वर के मामले में जरा भी काम नहीं आती है। ओम शांति। तो मित्रों, आज का पूरा ही सब रंग इस बात पर केंद्रित और हमें इस बात के चिंतन की ओर भी ले चलता हुआ कि दो प्रकार के लोग हैं, एक महान जो कि अवसरों का निर्माण करते हैं, और दूसरे सामान्य जो कि अवसरों का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब अवसर आए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार में थे, विपरीत परिस्थितियां थीं, फिर भी वो कहां से कहां पहुंच गए। हेलेन केलर जो दिव्यांग थे, लेकिन कहां से कहां पहुंच गए। अनेक ऐसे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हैं। धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप में काम किया करते थे। यदि आप दूसरे अन्य एक्टर्स को देखें, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, रजनीकांत जी जो कि बस कंडक्टर का काम किया करते थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि अभी हम कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए अवसर का निर्माण किया और आज वो सभी को प्रेरित कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे हाथ में है कि हम सामान्य बने रहना चाहते हैं या फिर महान लोगों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं। गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है, इसे कैसे जीना है, कैसे इसे मिसाल बनाना है, ये आपके ऊपर है। ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।